हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ। तो क्या है, किरम बुद्ध है ना, तो किरम बुद्ध का भी जो साइड है, ये वाला साइड ठीक है, ख़राब क्यों हो रहा है? इसमें पानी गिराना नहीं चाहिए, इस बगल में पानी गिराना नहीं चाहिए। एक नंबर, पानी गिराने के बाद ये जो साइड है ठीक है, ये जो साइड है ना, इधर क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है, उसके बाद वो जो प्लाई है ये उठ जाएगा इसे। इसलिए प्लीज़ कोई भी बोर्ड की अंदर, मतलब बोर्ड का वो जो पॉकेट है, पॉकेट के साइड में पानी बिल्कुल गिराना नहीं चाहिए दोस्तों। पानी गिर जाएगा तो ऐसे हालात हो जाएगी, ठीक है ठीक है। तो पानी हल्का पानी लेगा तो विजिल में ऐसे करके पोंछने का, कभी साइड में पानी नहीं पोंछने का, ठीक है भाई। जब पानी साइड में चला जाएगा तो ऐसे हालत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करता हूँ, ज़्यादा हम लोग वो जो पाउडर होता है ना, बोरिक पाउडर नहीं, मैजिक पाउडर, जब ज़्यादा मैजिक पाउडर यूज करेगा तो भाई ऐसे हालत हो जाएगा। कैसे, ये जो वाइट वाइट हो गया, ऐसे वाइट वाइट हो जाएगा, ऐसे वाइट वाइट हो जाएगा। इसलिए बॉडी और मैजिक दोनों मिक्स करके खेलने का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, गलती होता है जब स्टिकर खेलता हूँ उंगली से, कभी कभी क्या हो जाता है, वो जो इस साइड के बगल में बहुत ज़ोर से लग रहा है इस साइड में, तो क्या होता है, साइड में थोड़ा घिसक जाता है ये वाला। जब बाहर हो जाता है ये वाला लग लग के, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल और थोड़ा काट का गूरा इसके अंदर लगाने का, ठीक है दोस्तों। और एक बार जो बाहर हो जाएगा तो ये सही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।